जो है अंडा डालेगा। ये सबसे पहले आपने क्या डाला इसमें? केचप। केचप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आशिक भाई हैं, बहुत ही प्यारे बर्गर वगैरह बनाते हैं, तो अबू जान भी साथ आए थे, तो अबू जान ने कहा कि हमें बर्गर खाना है, तो इसकी लोकेशन आपको हम बता देते हैं। ये अगर आप आगे जाएंगे सीधा तो प्लाजा सिनेमा की एरिया आती है, तो ये भाई का इधर बर्गर वगैरह का सेटअप है, तो आप सामने देख रहे हैं ये स्टॉल एक लगा हुआ है, तो ये जो है फिंगर चिप्स की है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह चल रहे हैं फूड का, तो ये देख सकते हैं भाई बहुत ही प्यारे बर्गर वगैरह यहाँ पर बनाते हैं, और हलीम का भी सेटअप है इनका यहाँ पर, तो भाई से पूछेंगे भी। और ये दुकान की लोकेशन भी आपको हम दिखा रहे हैं सारी, अबू जान बैठे हुए हैं, वो भी ये इनका बर्गर टेस्ट भी करेंगे, और हम अभी इंशाल्लाह ऑर्डर देते हैं। अच्छा, आपके पास कौन कौन सा सर बर्गर होते हैं? अंडे वाला है, बगैर अंडे वाला। अच्छा, तो भाई के पास अंडे वाला भी बर्गर है और सादा बगैर अंडे वाला भी है, तो एक हमारा आप अंडे वाला कर दें, एक बगैर अंडे वाला हमारा आप एक बर्गर बना दें, तो देखेंगे भी अभी ये भाई कैसे जो है बर्गर बनाएंगे। तो ये जो शामी आप बनाते हैं, ये इसमें क्या क्या डलता है? अच्छा, तो माशाल्लाह इनके पास बहुत ही रश वगैरह लगा रहता है, और ये हमारे दोस्त भी एक आए हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। और क्या क्या इसमें आप ऐड करते हैं जरा ये भी हमें बताएं। शामी डलती है। अच्छा, केचप डलती है, मायोनीज, चटनी। अच्छा, आप मायोनीज भी आपने लगाई है ये। उसके बाद एंड में जो है अंडा डलेगा। ये क्या आप लगा रहे थे? ये मसाला है। मसाला, चाट मसाला है। ये सबसे पहले आपने क्या डाला इसमें? केचप। केचप। अच्छा, ये इमली वाली चटनी भाई साहब भी रखते हैं, और रायता भी है माशाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बनाते हैं। ये देखें तो जी, ये हमारे बर्गर तैयार हो रहे हैं, हमने जो ऑर्डर किए थे। लोकेशन भी आपको हमने बता दी। तो जी अबू जान के पास अंडे वाला बर्गर आ चुका है, तो अबू जान अभी टेस्ट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका जायका कैसे है। टेस्ट करें। जी अबू जी, बहुत मसाला था, का बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी मैं भी टेस्ट करूँगा। ये जो है ये बगैर अंडे वाला है, तो रायते के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगा अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायका है भाई का, और एड्रेस भी आपको हमने बता दी, और का जो जायका है जो शामी का बहुत ही डिफरेंस है, चिकन शामी बनी हुई है, और अभी मैं इसको इमली के साथ टेस्ट करूंगा। माशाल्लाह बहुत ही बर्गर इनका प्यारा है, दिल से ये बनाते हैं और बहुत ही इनका चलता है, इनके पास रश भी बहुत होती है। आप भी जरूर खाने आइएगा इनका बर्गर, और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये भी आशिक के नाम से ही फिंगर चिप्स है, ये भी आप देख सकते हैं। तो पहले 15-16 साल से ये भाई का चिप्स का कारोबार है, उसके बाद भाई ने जो खोला था वो बर्गर वगैरह की शॉप
सामने जो आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है वो खोलिए, ये इधर। तो मसाला बहुत इनकी चिप्स भी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। और इनका पकाने का तरीका भी सेटअप सारा सामने लगा हुआ है। तो ये इस शॉप के ऑनर हैं, आशिक भाई इनका नाम है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो आपने सेटअप खोला है कब से खोला है और आपको कैसे रिस्पांस मिलता है लोगों का। जी सर, आपको बताइएगा कि आपको रिस्पांस कैसे मिलता है, आपको ये आइडिया जहन में कैसे आया आपने ये बर्गर की शॉप खोली है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो हमने शॉप खोली है तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी चिप्स भी है फिंगर चिप्स वो सामने। अच्छा, तकरीबन 13 या 14 साल हुए हैं उसको भी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार सही है, यानी कि देख रहे हो कि नौकरियों का मसला नहीं है, नहीं मिल रही है, बिल्कुल बेरोजगारी है, बिल्कुल बस अपनी मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी के सहारे में बैठे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक करम है, अल्लाह पाक ने सलाही दे दी है। अच्छा, हम अपना कारोबार करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ये आपकी जायज़ रोजी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई इसमें इशू नहीं है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही हमने देखा है, रश होती है हर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी मेहनत है, ये अपनी इज्जत है, अपना अखलाक है, हम उस वजह से जो है। और आप चीज़ ये वो बना दें, अच्छी बना दें, माशा अल्लाह चीज़ जो है तकरीबन वन नंबर क्वालिटी बना दें। भाई का जो आपको हमने दिखाया, तो इनका जो पहले 15-16 साल से चिप्स का स्टाइल स्टॉल लगाया था पहले, उसके बाद ये इन्होंने बर्गर चामी और हलीम का खोला हुआ है। तो आपका आपको हमने वो भी दिखाया था, तो वो भी आप देखें। इनका जो पुराना है पहले वो चिप्स का काम है। तो भाई की बड़ी मेहरबानी,